एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ब्लॉक्स ये उनके बोलती वरना क्या है। आई गाइए गाइए वो देखिए लील गाय गाइस, मैं आपको दिखा दूं ये देखिए यहाँ कर दिया। अरे भैया सो गाइस कैसे हैं आप लोग एंड स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा खेत है और आप चलिए ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहले मैं तो अपने फ्रेंड को भी बुलाना चाहूँगा जो अभी इधर से ही निकल के आ रहे हैं वो। तो आरो भाई। भाई साहब। अरे भैया मत गिराओ यार, आ जा भाई। दिख रहा है भाई लद गया ये तो। सो भाई आज मैं इनको खेत में लेके आया हूँ और ये मेरे साथ यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं हम लोग खेत में और बहुत अच्छा लग रहा है। स्नैप आ रहा है और फोटो जो धूप आ रही है हम लोग पे और क्या फोटो आ रही है। 7-7 फीट का तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सरसों है, लगभग 7 फीट का होगा कम से कम। और ये देखिए सरसों, मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए, इससे ही सरसों के बीज निकलते हैं और इसी से ऑयल निकलता है। ये आप देख रहे हैं मस्टर्ड है, ठीक है, सरसों जिसे कहते हैं। आप कच्ची घनी खाते हैं सारी चीजें तो ये वो है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ में आया हूँ और ये देखिए कितना मजे से। आज मैं खेतों में लेट भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मैं आपको कैमरा फ्लिप करूंगा और यहाँ से सारी चीजें दिखाऊंगा कि बड़ा मजा है। तो चलिए आज खेतों को घूमते हैं, अराउंड सारी चीजें देखते हैं, आलू के खेत वगैरह देखते हैं, क्यों गाइस? जी बिल्कुल ब्रो, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं, हम लोग चलेंगे गेहूँ के खेत में, सॉरी यहाँ से दिखाएंगे आलू का खेत और जो भी है इस समय पूरी तरह से आलू का खेत, मटर का खेत, सरसों का खेत, गेहूँ का, सब दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो अब हम आपको आलू का खेत दिखाते हैं यहाँ पर और आलू जो हमारे पिताजी ने लगा रखा है। और ये चुन्नू मुन्नू से बहुत सारे चुन्नू मुन्नू गाइस, आप हमारे ब्लॉग में आप इनका स्वागत करिए। दिख रहा जी तो चुन्नू मुन्नू कैसे हो? अरे नहीं 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 रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं लड़के। और ये देखिए ये रहने का, लेकिन बड़ा मस्त है इसके अंदर ये खटिया तखत, आहा क्या आराम। आरो जी अंदर आइए, थोड़ा सा मजेदार सीन बना दें आपका। आइए लेटेंगे यहाँ पे? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं लेटा हुआ हूँ, आपको इच्छा है लेटने की? आप लेटे रहिए। बड़ा मस्त एकदम से। सो गाइज आपको कैसा मजा आ रहा है यहाँ पे? देखिए कितना बढ़िया मस्त लग रहा है सीन। और ये और आरो जी एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, तो पकड़िए तो एक बड़ी मजेदार चीज दिखा। ए लाइटर काम कर रहा है? हथियार चला के देखे। अरे यार इसमें लाइटर में क्या है? रुक जाओ। तो ये देखते हैं अतुल जी हमें क्या दिखाना चाहते हैं। तो और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ब्लॉक्स ये उनके बोलती वरना क्या है। और ये देखो ये अतुल जी ये था क्या एक्चुअली? ये कार्बाइट है और कार्बाइट के अंदर ये एक तरह का तोप है और जिसे खेतों में जानवर को रात में डराने और भगाने के काम आता है वो चीज है। अच्छा और ये पत्थर क्या मतलब? ये कार्बाइट गैस है। ठीक ठीक है तो ये इसलिए होती है। अब इसमें पहले क्या है कि इसमें अंदर पानी, एक बार हमें और करके दिखाइएगा थोड़ा सा। जी तो अभी हम ये जो है अतुल जी हैं ये पानी का मिक्सचर बना है और ये कार्बाइड, ये कार्बाइड दिखा दीजिएगा थोड़ा सा। डाल दिया और ये देखिए, और कार्बाइड डालने के बाद ये इन्होंने एक लाइटर के मदद से, लाइटर अतुल जी थोड़ा सा दिखाएंगे, लाइटर लगी है ये, ठीक है। तो अब इसको हम चलाने चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हालांकि बहुत तेज आवाज आती है, ये जैसे जैसे एक गन की वॉइस होती है, गन की आवाज होती है, इस तरह से उसी तरह से है ये आवाज है। और कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अब अतुल जी अपने वेपन्स को ले जाके छुपा रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप आलू की खेती, काफी ज्यादा सुंदर सा लग रहा है, काफी अच्छा सा लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे, और अभी चलिए अतुल जी आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस समय आप मेरे को देख रहे होंगे, मेरे को मत देखिए। यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है ये आलू है, ठीक है, ये आलू का पेड़ है और आलू इसके अंदर नीचे लगे होंगे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पूरा जो खेत है, ठीक है, ये क्यारी बनाई जाती है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये
क्यारी नुमा है, मैं आपको दिखा दूं कि ये क्यारी बनी है ऐसे लंबी लंबी, और बीच बीच में इसके बीच में बना करके टीला मिट्टी का चढ़ा करके, और इस तरह से इसमें आलू लगा हुआ है। अब जब ये पूरा वो हो जाएगा और फिर इसको खुदाई होगी तो इसमें से आलू निकलेगा, तो आलू वाला वीडियो का जो ब्लॉग है वो भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। तो ऐसे ही खाना जाएगा यहाँ पे साइड से, और ये पूरा क्या कहते हैं कि इसके बीच से फिर आलू निकलेगी। इस पर मिट्टी चढ़ा करके इसको पूरा बढ़िया से किया गया है, और यहाँ पे ये गड्ढे में पानी रख देते हैं और पूरी जगह खेतों में पानी चला जाता है। तो ये आलू का था सीन। गाइस अभी हमें पता चला है कि खेतों में नीलगैया भी आ गई है बहुत सारी, तो हम लोग चलेंगे नीलगाय के पास में, और आई थिंक हम दिखा भी ना पाएं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वीडियो मेरा सफल हो जाए तो जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं नीलगाय को भगाने के लिए। तो मैं दौड़ रहा हूँ समय, और खेतों में नीलगाय आ गई है, और नीलगाय कितना नुकसान करती है। कहाँ गई? वो देखिए लील गाय, वो देखिए गाय, हाय 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 हाय। अबे चलो उधर से भी यार, आंख होते हैं देखो, नहीं हाय। ये हमारे भाई 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 गाइए 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 गाइए, वो देखिए लील गाय गाइस, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए लील गाय, ये देखिए आपको अगर कैमरे में दिख रहा हूँ। हाय भाई गरी सब देख रहे, मला ना करे। अबे चलो हो गया, तुम गाय सब नहीं नहीं पापा हैं वहाँ पे खड़े ना, वो देखो ना आगे गाड़ी पे। हाय आप रुक जा रुक जा, आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम परेशान ना। वो देखिए देखिए गाइस, वो जा रही है, ये देखिए वो लील गाय, यही यही खेतों में नुकसान पहुंचाती गाइस, इतनी जल्दी मीलों दूर पहुंच गई। वो देखिए वो देखिए, अभी मैं आपको पास में भी ले जा रहा हूँ। हाय अभी मैं पास से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी का ब्लॉग हम यहाँ पे अभी ख़त्म करते हैं, और बाकी का जितना भी आगे की सीन है जो कि ब्लॉग है वो सेकंड पार्ट में आएगा, ये विलेजर ब्लॉग का मतलब गांव का ये जो ब्लॉग है, और बहुत सारी चीज़ें हम दिखाएंगे इसमें, आपको तालाब दिखाएंगे और बहुत सारी कुछ है, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो अभी हमें यहाँ पर ख़त्म करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके जो खेत का है, और बाकी चीज़ जो है कि आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सेट द बेल आइकन ऑल पर, ठीक है। सो चल